सत्संगी गुरुमुख धर्मानुरागी सज्जनों, देवियों, माताओं तथा बहनों, इस मंदिर प्रांगण में आप सब बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। भगवान गुरुदेव की ये पाठशाला जो उन्होंने अपने जीवन काल में देश के कोने कोने में स्थापित की, प्रचारित की, उसी परंपरा में हम भी इस पाठशाला में बैठकर अपना पाठ याद करते हैं। जिस प्रकार से विद्यालय के बगल में आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे स्वरबद्ध होके जो टीचर पढ़ाते हैं गिनती पहाड़ा रोट रटा करते हैं, वैसे भी हम लोग इस कक्षा के बच्चे हैं और नित्य प्रति समय समय पर बैठकर अपना पाठ याद करते हैं। और वह पाठ उन्होंने क्या पढ़ाया, जो उनके पूर्व के सारे मनीषियों ने, सारे गुरुओं ने, सारे महापुरुषों ने सबको सिखाया था, उसी मूल भाव को, उसी मूल स्वर को उन्होंने समय के मुताबिक थोड़ा थोड़ा, महापुरुष समय समय पर जो आए तो उसको रूपांतरित किया उन्होंने। तो आज के हमारे लोगों के लिए जो सहज और सरल साधना की पद्धति हो सकती है उन्होंने उसका प्रचार किया, उन्होंने उसका उपदेश किया। हम कोई महायोगी नहीं बन सकते, योगियों का जमाना था, कभी रहा होगा। जो बड़े बड़े योग विशारद भी, योगी राज भी पैदा हुए, ये आज्ञिक लोग हुए, भक्ति के आचार्य चैतन्य देव जैसे हुए, और उस वेदांत के वाक्यों को धारण करने वाले बहुत सारे मुमुक्षु विद्वान महात्मा जन भी हुए, जिन्होंने वेदांत के महावाक्य में अपनी धारणा की, दीर्घ काल के उसके अभ्यास और मनन चिंतन से उन्होंने उसको अपने हृदय में उतारा, हृदयंगम किया। और हर तरह से आज के कर्म संकुल जीवन में हमारे लिए जो संभव हो सका उस प्रभु ने थोड़ा थोड़ा तो सबका टच किया, योग भी सिखाया, उन्होंने मंदिरों की पूजा भी सिखाई, भक्ति में कीर्तन भी कराया, लेकिन मूल उनकी ध्वनि, उनका एम्फेसिस था जो
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था निष्काम कर्म योग, जिसको हमारे यहाँ सेवा कहा जाता है, और वह सेवा सेव्य के निमित्त की जाती है। उसमें कोई अपना हेतु, कोई उसका फलाफल नहीं होता, और वह अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। उनके उपदेश हैं कि निष्काम भाव से की गई सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, और वैसे शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। तो उन्होंने अपने विद्यालयों में, स्कूलों में, उन आश्रमों में मूल स्तर सेवा का पाठ पढ़ाया किया, और उसी को अभी भी उनके इन आश्रमों में यह सिखाया जाता है, कराया जाता है। कहा करते थे कि राजी रख खलकत को खाली की रजा के वास्ते, दोस्ती कर हक के बंदों से खुदा के वास्ते। उस सूत्र में बड़ा भारी तत्वार्थ निहित है। खलकत कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को, और उसको खुश कर इसलिए इसकी रचना परमात्मा ने की है, और उसके इस रचित सृष्टि को यदि राजी रखोगे तो परमात्मा खुश होगा तुम पर। अपने निमित्त नहीं कि हमको सबको, हम सबको खुश रखेंगे तो सब हमको रखेंगे। हम सबको इसलिए खुश रखेंगे कि उनको बनाने वाला खुश होगा। हम जज साहब के बेटे को इसलिए प्यार करेंगे कि जज साहब हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। इसी तरह से पूरे खलकत को उस खाली कहते हैं परमात्मा को, विधाता को, उसकी रजा के वास्ते इसको प्रसन्न रख, और दोस्ती कर हक के बंदों से खुदा के वास्ते। ये संसार के बंदे जो हैं इनसे दोस्ती करो, लेकिन उस दोस्ती का निमित्त ऐसा नहीं कि तुम उसमें फंस जाओ और उनको भी फंसा लो अपने आप में, और उस परमात्मा के बनाए हुए हैं इसलिए उनसे दोस्ती करो। निज प्रभु मैं देखा ही जगत, भक्ति के आचार्य कहते हैं कि सी राम मैं सब जग जानूं, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। कहते हैं कि सिया राम में सारे संसार को देखो, और सब में अपने इष्ट का, अपने परमात्मा का दर्शन करो, सबको प्रणाम करो। ठाकुर रामकृष्ण देव से किसी ने सुनाया किसी व्यक्ति के बारे में, यद्यपि कि महापुरुषों से नहीं कहना चाहिए वैसा, किसी की बुराई करने लगी कि महाराज वो तो बड़ा बदमिजाज है, वो ऐसा है वैसा है, तो महापुरुष क्या जवाब देते हैं? कहा कि अरे अरे, वो भी तो तमोमुख नारायण है ना, इसलिए उसको भी प्रणाम करो। नारायण ही है लेकिन तमोमुख है, फिर भी नारायण तो है, इसलिए उसको प्रणाम करो, उसकी निंदा मत करो। तो ये है उसका सूत्र का अर्थ कि राजी रख खलकत को खाली की रजा के वास्ते, दोस्ती कर हक के बंदों से खुदा के वास्ते। और इस सूत्र को मेरे महाप्रभु ने, परम प्रभु ने अपने आश्रमों में करके दिखाया। कहते थे कि तुम्हारे पास जो आते हैं इस प्रेमिसेज के अंदर में, ये भगवान का घर है और ये सबका घर है। कहते कि दुनिया के सारे घरों में जाओ, इवन अपने ससुराल में जाओ, ननिहाल में जाओ, सब जगह एक पर्दा होता है कि वहाँ बैठाया जाएगा जमाई बाबू को, उससे अंदर सबके घर में घुसने लगो, सबकी कोठरी में, तो कितना से प्यारा अजीज रिश्तेदार होगा वो भी खींचेगा, तो बड़ा बेवकूफ़ है वहाँ बैठने का, तो घर में कहाँ घुसा आ रहा है। लेकिन साधु का घर ऐसा है कि यहाँ कोई ताला नहीं है, आप सीधे आके सब जगह घूम लो। तो कहते थे कि दरवेश के दरबार पर दरवांची नजारत, दरवेश फकीर को कहते हैं कि उसके दरवाजे पर दरवान नहीं होता। दरवान की जरूरत क्या है जब सभी उसी का है, और सभी मेरे प्रभु के हैं, और यहाँ का सब सबका है, तो फिर दरवांची की जरूरत क्या है। इसलिए इसी भाव से उन्होंने अपने आश्रम के व्यवहार को बरता और किया कराया। हर किसी को प्यार करो तुम, और कहते थे कि उस परमात्मा के रिश्ते से इतना प्यार करो
कि वो आए तो उसको जाने के लिए मन न करे, एक दिन के लिए तो 3 दिन ठहर जाए। और इन महापुरुषों ने उस वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र हमारे महापुरुषों ने दिया है, वसुधा कहते हैं पूरी धरती को, केवल भारत नहीं, केवल इंग्लैंड नहीं, तमाम ये नहीं, पूरी धरती ही मेरा परिवार है, कुटुंब है। ऐसी धारणा हमारे सनातन की मान्यता है, हमारे हमारे सनातन के आचार्यों ने ऐसी धारणा दी। बहुत पहले एक विद्वान दार्शनिक से मेरा बड़ा साहचर्य था और वे आंदोलन के समय के बड़े मानी, मतलब कांग्रेसी थे और आंदोलनकारी थे, वो आज़ादी के आंदोलन में साथ रहे थे और बापू के साथ उनकी सेवा में भी रहे थे काफ़ी दिन तक, लंबी उम्र तक रहे और मुझे बहुत स्नेह उनका मिला। तो ये कहते थे कि एक बार मैं वृंदावन गया और वहाँ पर बड़े सिद्ध संत हैं, वो मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी शरणानंद जी महाराज वृंदावन में अभी भी आश्रम है उनका रमण रीति में। तो अब वो अंधे थे और थे बड़े मूर्धन्य संत, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अपने राष्ट्रभवन में, राष्ट्रपति भवन में उनको ऊंचा आसन दे के हाथ जोड़ के उनसे सत्संग सुनते थे और उनको मिलने ये लोग गए, दो आँख से अंधे ही थे और लोग बैठे हुए इस तरह से सत्संग सुन रहे थे, कीर्तन प्रवचन कुल चल रहा था और वे बैठे थे, बड़े आनंदित रहते थे। आँखें बड़ा पाप कराती हैं ये, इसका तो ऐसा है कि जनमान जितने होते हैं वो देखे होंगे कि उन श्रुतिधर भी हो जाते हैं, हमारे ये गुरु भाई हैं, आँखों से सूझता नहीं है लेकिन भागवत की कथा करते हैं, तो पकड़ के किसी को बैठा के भागवत की कथा सुनते हैं और सुनने के बाद हम आप भी सुनेंगे तो यहाँ से वहाँ उठते उठते ख़त्म हो जाएगा और उसको याद हो जाता है, बहुत सारे श्लोक इत्यादि याद किए हैं उसने और बड़ा अच्छी कथा करता है। तो वो बेचारे बैठे थे, तो ये गए और भी विद्वान दो एक लोग मिल के गए उधर, तो देख रहे थे कीर्तन कुर्तन चल रहा था, तो बीच में उन्होंने उठ के हाथ जोड़ के कहा कि महाराज एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ मैं। तो हंस से बोले बोलो। कहे कि महाराज ये दुनिया में जो रावण पंथ और दुशासन और शकुनी पंथ जो प्रबल हो रहा है, इसको धराशायी करने के लिए आप संतों के पास क्या उपाय है, किस प्रकार से युधिष्ठिर पंथ की स्थापना आप करने में लगे हैं, कर ही रहे हैं संत लोग जहाँ तहाँ जितना संभव हो पा रहा है, तो ये युधिष्ठिर पंथ किस तरह से, ये अभी तो हालत वैसी नहीं लगती, फिर ये कैसे आप आपकी कल्पना में क्या उसका उपाय हो सकता है, जाकि युधिष्ठिर पंथ का क्या मतलब हुआ। देखो युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए और उनके धर्मज्ञता का उनके व्यवहार में देखिए कैसा परिचय है, कि जब यक्ष के प्रश्न पूछने पर उनके 4 भाई मूर्छित हो गए, पानी लाने जब गए तो ये भी गए, तो उन्होंने अपने राजमद में उसके मना करने पर भी नहीं माना, इसलिए पानी लेते ही बस सब गिर पड़े। तो ये युधिष्ठिर जी गए, इनको भी मना किया कि भाई देखो ये आरक्षित है, ये तालाब जो है इसका जल मेरी आज्ञा के बगैर नहीं ले जा सकते। तो कहा महाराज आज्ञा कीजिए, कैसे क्या करें, देखें कि अपने 4 भाई ये मृत पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, उसका जवाब दे सको तो तुम जिंदा रह सकते हो। तो उसने तड़ातड़ प्रश्न शुरू किए, तो बहुत सारे यक्ष युधिष्ठिर के संवाद के नाम से बड़ा अच्छा तात्विक प्रश्न है वो, तो उन प्रश्नों का आदमी उन्होंने उत्तर दे दिए। उत्तर देते पर यक्ष प्रसन्न हो गए कि एक तो वो अकड़ के आए थे, हमारा सरोवर है का तो हम ले ही जाएंगे पानी, हम बलवान हैं तो हम ऐसे हैं, और तुमने तो विनम्रता दिखाई उन्हीं के भाई होते हुए भी, इसलिए तुम्हारी विनम्रता से थोड़ा कायल भी हूँ मैं, और दूसरे तूने मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया, इसलिए तुम अपने इन भाइयों में से किसी एक को चाहो तो जिंदा कर सकते हो। तो उन्होंने तत्क्षण कहा कि मेरा नकुल भाई जी जाए। तो उसने यक्ष ने कहा कि भाई तेरा सहोदर तो अर्जुन और भीम है और वो तो सौतेला भाई है, तो स्वाभाविक इनके प्रति ज़्यादा अनुराग है और ये दोनों योद्धा हैं, तुम्हारे लिए काफ़ी एकदम आनंद हैं, तो इनको न कह के तुम
ने अपने सौतेले भाई क्यों जीने को कहा? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री, एक माँ से दो नकुल और सहदेव भाई हैं और मेरी कुंती माता से तीन हम लोग हैं। तो इसलिए मैंने नकुल को जिलाने को कहा कि मैं लोभवश यदि अपने भाई को जिला लूँ तो मेरी एक माता तो निपुती होकर जीवन भर दुख भोगेगी, इसलिए यदि एक एक बेटा दोनों को रहेंगे तो कम से कम संतान वाली तो कहलाएगी, इसलिए मैंने कहा कि मेरा नकुल भाई जी जाए। तो बड़ा हैरान हुआ कि देखो विपत्ति की घड़ी में धर्म भाव आदमी को भूल जाता है। उसके चारों भाई मूर्छित पड़े हैं तब भी ये समत्व का भाव कि मेरी माँ दोनों जो है पुत्रवती बनी रहे, इसलिए मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर, जाओ तुम्हारे चारों भाई जिंदा हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तेरे धर्म की परीक्षा के लिए ही आया था। तो उनके धर्म भाव की कितनी चर्चा है, आज उन चीज़ों का अभाव है, लेकिन आदर्श पुरुष हमारे हैं जिनको कहानी के तौर पर नहीं एक आचरण के तौर पर उसको जानना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि महाराज ये युधिष्ठिर पंथ कैसे हावी प्रबल हो सकेगा, आप संतों के क्या विचार हैं इस मामले में? तो सुन के बेचारे अंधे ही थे, कहेंगे अरे बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने बेटा और बड़े ही सुमति परायण हो, निकट आ जाओ, बहुत ही बढ़िया सार्थक प्रश्न है, निकट आ जाओ बेटे। और निकट बुला लिया तो हाथ टटोलने लगे, यहाँ बैठ जाओ। बैठा दिया उनको, दो जने थे, एक गया कॉलेज के प्रिंसिपल थे और एक अपने थे, वे दोनों बैठ गए। उन्होंने आवाज़ दिया किसी चले, अरे भाई जरा मिठाई लाना, घी वाली बढ़िया मिठाई लाना बेटा और ठंडा जल लाना। तो अब इनके हैरानी हुई कि मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न और मुझे मिठाई मंगा रहे, मुझे प्यास थोड़ी लगी है। तो ये ताकते ताकते मिठाई आ गई और मिठाई हाथ में ऐसे लिया उन्होंने और लेके उनकी ओर से ऐसे बढ़ाने लगे, तो उनके मुंह के तरफ अपने से खिलाने लगे और एक हाथ में पानी लेके, मेरे बेटे इसको खा लो और ठंडा जल पी लो। तो उन्होंने कहा कि बाबा मेरे प्रश्न का जवाब मिठाइयाँ हैं। कहाँ बेटा, मिठाई ही है और मैं जवाब ही दे रहा हूँ। कहा कि ये जवाब खा तो लो मेरे बेटे, गर्मी से आए हो। और उन्होंने भरसक दे दिया मिठाई और पानी पिलाया। तो अब ये ताकते हैं कि अब जवाब तो देंगे। तो ये कहते हैं कि देखो तुमने जो प्रश्न किया था, संसार के तमाम उत्पात का, तमाम कुटेव का, तमाम विकटताएं जो व्यक्ति व्यक्ति में जो पैदा हैं उसका एकमात्र निराकरण है निष्काम प्रेम। बेगरज प्यार यदि सब लोग करने लगें तो युधिष्ठिर पंथ स्थापित हो जाएगा। और वह प्यार हर कोई करता है, एक पशु भी अपने माँ से करता है, अपने परिजनों से करता है, इंसान कौन कहे, सभी प्यार करते हैं लेकिन गरज रख के करते हैं। बेगरज का प्यार यदि सभी करने लगे तो युधिष्ठिर पंथ आ जाएगा। और हम संत यही करते हैं, हमें तुम्हारे प्यार करने से कोई गरज नहीं होता, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम कुछ मुझे दोगे, तुम इंसान हो और मेरे इष्टदेव परमात्मा का ही रूप तुम्हें मानते हुए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ऐसी भावना से साधु घूम घूम के धरती पर उस निष्काम और बेगरज प्यार को बांटता है और सबको वसुधा को कुटुंब बना के, अपना कुटुंब तो तोड़ दिया उसने। स्वामी रामतीर्थ जब विदेश गए तो कहा उन्होंने, महाराज आपने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और अपने पुत्रों को छोड़ा, अपने पत्नी को छोड़ा, माँ को छोड़ा, ये क्या जरूरत थी, घर में रह के भी उपदेश साधना कर सकते थे। तो उन्होंने जवाब कह दिया कि उस राम के साथ में जुआ खेल रहा था और जुए में मैं जीत गया और राम को अपना लिया भीतर में, फिर इतना आनंद उमड़ा कि अब आनंद इतना हो गया कि बर्तन से बाहर आने लगा, तो फिर दो तीन तीन बच्चे, एक पत्नी एक माँ, इतना ही, इतने थोड़े लोगों में उसको भोग करने के लिए आत्मा कबूल नहीं की, इसलिए उस घेरा से निकल के मैं पूरी वसुधा को प्यार जो है राम ने जो दिया था मुझे उसको बांटने निकल पड़ा। और वही बेगरज प्यार संत घूम घूम के देता है सबको, उन्होंने कहा और ये निरुत्तर हो गए। बेटा बेगरज का प्यार सीखो और साधु से सीखो, वो साधु जानता है आपके साथ बहुत प्रेम और सद्भाव करता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि देखो
आईना को देखते हो, मिरर जो दीवार में लगी होती है उसके सामने घर भर के लोग जाके अपना चेहरा देखते हैं, ताक लेते हैं, जहाँ कहाँ गंदा है तो उसको साफ करते हैं, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जितने लोग घर में होते हैं वो सब अपना चेहरा देखते हैं, और देख के वहाँ से हटते हैं तो चेहरा उनका हूबहू उसमें उतर जाता है, लेकिन हटते ही चेहरा गायब भी हो जाता है। तो कहो एक एक बाल भी किसी का वो रखते जाए, यदि जैसे होता है ना एल्बम में और फोटो खींचो तो ये भी फोटो, ये भी फोटो, सब उसी में रह जाता है, लेकिन आईना में नहीं फोटो रहता। जब तक है तब तक फोटो आपका उतरेगा, आप हटे नहीं कि साफ हो जाएगा। और आईना यदि एक एक बाल भी सबका रखना शुरू कर दे तो गंदा हो जाएगा, आईना आईना रहेगा ही नहीं। जितने लोग, हजार लोग उसको देखने गए हैं उसमें मुँह अपना, तो किसी का नाक सुंदर है तो उसको पचा ले, किसी का कान पचा ले तो गड़बड़ गड़बड़ नाक कान मुँह, इतना चित्र उसमें आ जाएगा कि फिर तो आईना को फेंक देना पड़ेगा। तो महाराज कहते थे कि देखो आईना जब सामने प्रत्यक्ष होता है तो उस समय हूबहू उसका चित्र उतार लेता है, और हटते ही उसका चित्र गायब भी कर देता है। इसी तरह से तुम अपने चित्र को बनाओ, जो प्यार से तुम्हारे सामने आ गया, प्रारब्ध बस कोई साथी थोड़ी देर के लिए, आप ट्रेन में सफ़र करते हैं उतनी देर तक पैसेंजर तो आपके साथ बैठता है, वही एक यात्रा है जो पत्नी बन के साथ बैठ गई, पुत्र बन के साथ बैठ गया, मित्र बन के साथ बैठ गया, ये सब भी तो आए हैं जीवन में, लेकिन आए हैं आगे पीछे और आगे पीछे उतर जाएंगे, ये यात्री हैं सब, इसलिए इनको दिल पे असर मत होने दो। मोह और राग और प्रपंच करके तुम जो जीते हो वो हृदय तुम्हारा गंदा हो जाता है, और जन्म जन्मांतर से इतने शक्लों को इसमें उतार रखा है तुमने कि उसका पार पाना मुश्किल हो गया है। तेरा अंतःकरण उस तमाम संस्कारों का एक बहुत बड़ा जैसे खजाना बना हुआ है, और उन संस्कारों को हटाए बगैर तेरा अपना निजी स्वरूप दिखाई कैसे पड़ेगा, उसमें तो संस्कारों की जमघट जमा कर लिया है तुमने, इस जन्म में आए, पीछे के जन्मों में आए, और हर वक्त बाजार में जाते हो वहाँ के सारे चित्र उतर के आते हो, वहाँ से सामान तो कुछ लाए नहीं उठा के, लेकिन तेरे आँख में तेरे मन में ऐसा एल्बम बना रखा है कि यहाँ आके घर में बैठोगे आँख मूंदे हुए तो सब्जी वाला कभी चिल्ला रहा है, कभी कपड़ा के दुकान वाला चिल्ला रहा है, जितने लोग मिले उन सबका संकर संस्कार इसमें डाल दिया उन्होंने। कहते कि ये तुम्हारे जीवन की और जीवन में जगत में जीने की ये अनाड़ीपन है ये, और उसी को दुरुस्त संत करता है, साधु करता है, कि भीतर में उन संकल्पों को बटोरने की आदत जो है वो साधु में नहीं है। आप सामने बरतेंगे तो आपसे खूब प्यार होगा, और उसके बाद हटते ही वो साफ हो जाएगा। मैं बहुत पहले मैं कहता हूँ, एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक 4 साल का लड़का था सरदार का, और उस समय मैं पटना से भागलपुर जा रहा था, तो उस बर्थ पर बैठा हुआ था, बड़ी सुंदर सा बच्चा, बड़े अच्छे भद्र माता पिता का बेटा था, और वो किया क्या कि जैसे मैं बैठा तो मेरी ओर 2-4 मिनट ताकता रहा, ताकने के बाद अपने माँ के गोद से उठ के आके मेरी गोद में बैठ गया बेझिझक। कितना अच्छा स्वभाव है, हम आप परवाह करते हैं कि मेरा आदमी है वो दूसरे का है, ये हैं अपने आदमी को हाथ खींच के बगल में बैठा लेंगे, है उधर बैठो जाके, उधर देखो सीट, कितना गहरियत है हमारे अंदर में। उस बच्चे के कुछ नहीं, जैसे माँ की गोद वैसे हमारी गोद, आके बैठ गया तो एकदम चिपक गया, मैंने भी उसे ऐसे ले लिया। उसके माँ बाप कहते हैं साधु हैं, ऐसे करता है, उतर जाओ। कहा कि वो बेचारे को साधु क्या, मैं चिपकाए रख। तो कहा बाबा ये मेरा रुद्राक्ष माला पकड़ के ये क्यों ऐसा पहन रखा है आपने। कहा कि हम साधु हैं ना। अच्छा साधु हैं, हाँ हमारे कॉलोनी में भी एक साधु आया था तो उसका, लेकिन माला रुद्राक्ष बड़ा बड़ा था, आपका छोटा है। हमने कहा कि हाँ, लेकिन ठग निकला, वो चुरा के भाग गया। हमने कहा हमारा माला छोटी है इसलिए छोटा ठग हूँ मैं भी ठगी हूँ, देखो तुम उनको ठग लिया ना, वहाँ से आके बैठ गए तो मेरे साथ ऐसे छिड़ता, पहाड़ क्यों किसने बना दिया, देखो कितना बेढंगा लगता है। अच्छा ये अभी इसी रंग का क्यों पहनते हैं, ये सारे लोग तो कैसे कैसे रंग पहनते हैं, तो ये हम नहीं पहन सकते, कहाँ पहन सकते। फिर कहा कि अच्छा आपका घर जहाँ है वहाँ कौन कौन है आपके यहाँ, आंटी जी तो होंगी जरूर। हमने कहा नहीं, ये तो गड़बड़ है, मेरे पास आंटी जी नहीं है।
तो कहा आंटी जी नहीं है, तब तो मेरे जैसा मुन्ना भी नहीं होगा, मुन्ना तो तेरे जैसे कितने हैं लेकिन आंटी जी के बिना मैं हूँ। अब सब लोग कहते गए, इससे पूछा जाता है साधु से, हमने कहा उसको कुल पूछने कहा कि पूछने दो। तो अब जा रहे हैं घर में, फिर आंटी जी नहीं है तो आपको चाय कौन पिलाएगा। हमने कहा कोई दूसरी आंटी जी को बुला लेंगे, पहन लेंगे बस। और वहाँ उतरने लगे तो पूरा 5 घंटा जो मेरी गोद में बैठा रहा, उतरते वक्त अब यहीं जाएंगे आपका घर है ना, तो हाँ तुम जाइए जाइए टाटा करके उतर के उधर चला गया। मैं उस दिन देर तक कहता रहे, देखो कितना भोला भाला लड़का था, लेकिन उसको 5 घंटे में मेरे अंदर में राग होने लगा और उसको छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगा। तुरंत उतरा और चल दिया टाटा करके, ताका भी नहीं खिड़की से और छोड़ के चला गया। मैं कहता हूँ कि उसके अंदर में, उस बच्चे के अंदर में वह अनन्यता कैसे थी, पकड़ो और छोड़ो तो छोड़ दो। ये तो संत का भी संत है। ठाकुर रामकृष्ण ने कहा है कि परमहंस की मति जो है एक 5 साल 4 साल के बच्चे जैसी हो जाती है। बच्चे को कोई अपना पराया नहीं, कुछ भी नहीं है। और हम सयाने लोग जो बड़े होते हैं तो बिल्कुल राग पाल बैठे हैं, द्वेष पाल बैठे हैं, कितना प्रपंच फूटा जमा के रखा है, बैठे हैं यहाँ, आप बैठा है कहीं पे, दिल दिल्ली है और बैठी हालत है हमारी। और वो बच्चे के अंदर में नहीं है, और उसके उस सफाईपन का राज इतना ही है कि वो एक का अनन्य है। उसकी माँ दुनिया में सबसे सुंदर और उसकी माँ दुनिया में सबसे बुद्धिमान, उसकी माँ दुनिया में सबसे ताकतवर। बस कोई पहलवान भी आए कहता कि गड़बड़ कीजिएगा ना तो माँ को बता देंगे हम जाके, जैसे माँ उस पहलवान से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो एक भक्त को अपने भगवान के प्रति ऐसा ही होना चाहिए कि मेरा भगवान संसार के सबसे अच्छा, सबसे ज्ञानी, सबसे प्रेम करने वाला और सबसे सब कुछ ज़्यादा है वो। और ये हमारी अनन्यता ही, हमारे उसमें अनन्य भाव नहीं होने के कारण ही हमारा अंतःकरण बड़ा कॉम्प्लेक्स है और बड़ा जटिल बन गया है। बस ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये उसका, इस चक्कर में हम पहले से ही इतना कर्म संकुल जीवन और संस्कारों की जटिलताओं से आते हैं, यहाँ आके और कचरा डाल के लेके जाएंगे हम ये। तो कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ सुलझ के रहियो और तू जाता उलझाए रे, फिर तेरा मेरा मनवा प्यारे कैसे एक होए रे। तू तो उलझ के जीता है, तो जगह जगह उलझते चलता है, किसी से दोस्ती बना लेता है, किसी से दुश्मनी बना लेता है। और संत सिखाता है, बेगरज हो जाओ तुम, बेगरज हो जाओगे तो न दोस्ती करोगे न दुश्मनी करोगे। और संत इसी साधना को सिखाता है, प्रैक्टिस करके, जिस तरीके से योग सिखावे, यज्ञ सिखावे, मंत्र सिखावे, जप तप सिखावे, जैसे भी करे, और वैसा हमारे मन को बनाता है। तो उनके एक वचन याद आते हैं कि बेगरज प्यार करना सीखो। और सौभाग्य से जो हम सबों के जीवन में एक वैसे आप्त काम सिद्ध पुरुष के चरणों में जिंदगी का मूल क्षण बीता उनके चरणों में, वह इसी के रूप थे। भी उनके नज़दीक आने वाला हर कोई महसूस करता था कि मेरे कितने जन्मों के मेरे प्यारे हैं ये, लगते ही नहीं थे कि मैं अभी इनको मिला हूँ। इस प्यार के साथ में लाखों लोगों को समेट लिया उन्होंने और प्यार से पागल कर दिया, रंग डाला अनेकों के जीवन को, कितने कितने संसार विसार करके उनके ऊपर परवाने होके फकीर बन गए लोग। ये उनका जादू था, और वह जादू वही निष्काम और बेगरज प्यार करने का था, जैसा सबको उन्होंने बांटा। और उसी बांटने के क्रम में आज जिसके लिए आप बैठे हैं।